इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑरेंजेस आर बॉट एट सिक्स फॉर रुपीज़ ट्वेंटी छः ऑरेंजेस ट्वेंटी रुपीज़ के लाए गए एंड सोल्ड एट फोर ऑरेंजेस फॉर एटीन रुपीज़ और चार ऑरेंजेस सोल्ड कर दिए गए एटीन रुपीज़ के फाइंड द गेन और लॉस परसेंट हमें गेन और लॉस परसेंट निकालना है तो देखिए यहाँ बॉट की बात हो रही है कि छेंजेस ट्वेंटी रुपीज़ के लाए गए तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सिक्स ऑरेंजेस सिक्स ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है दैट इज ट्वेंटी तो एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ वन ऑरेंज की कितनी होगी देखिए ज्यादा ऑरेंजेस ज्यादा रुपए के आएंगे लेकिन कम ऑरेंजेस कम के आएंगे और कम के केस में हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो ट्वेंटी बाय सिक्स हो गया राइट right? अब इसी तरीके से सेलिंग प्राइस दे रहा है खाए है सेलिंग प्राइस जो किया है फोर ऑरेंजेस एटीन रुपीज के बेचे हैं तो सेलिंग प्राइस ऑफ और फोर ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू रूपीज एटीन तो एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस कितनी होगी वन ऑरेंज इज इक्वल्स टू एक की कम होगी तो रुपीस एटीन डिवाइडेड बाय फोर तो अब देखिए इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है कैसे पता चलेगा हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं रफ़ में राइट क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी इसलिए तो अगर मैं ट्वेंटी को सिक्स से डिवाइड करूँगी तो सिक्स थ्रीजा एटीन आ रहा है फिर टू हो रहा है तो इसको मैं थ्री होल टू अपॉन सिक्स भी कह सकती हूँ राइट अब इसी तरीके से अगर मैं फ़ोर से डिवाइड करती हूँ एटीन को तो फोर फोरजा सिक्सटीन और टू बच गया राइट तो इसको मैं फ़ोर होल टू अपॉन फोर भी लिख सकती हूँ तो हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ फोर होल वाली वैल्यू ज़्यादा होगी थ्री होल वाले से तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ राइट आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं राइट right? क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी इसलिए मैं इसको डिवाइड नहीं कर रही हूँ अब क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस पे क्या होता है हमारा गेन होता है गेन के केस में एस पी माइनस सी पी का फॉर्मूला लगता है तो सेलिंग प्राइस था एटीन अपॉन फोर और कॉस्ट प्राइस था ट्वेंटी अपॉन सिक्स तो ये कितना आ जाएगा देखिए फोर और सिक्स में कुछ ना कुछ कॉमन है तो हम एल सी एम ले लेते हैं तो टू टू ज़ोर टू थ्री ज़ा सिक्स टू वन ज़र टू थ्री एज इट इज थ्री वन ज़र थ्री तो ये कितना आ गया टू टू ज फोर फोर थ्री ज़र ट्वेल्व आ गया एल सी एम तो ट्वेल्व अब देखिए फोर थ्री ज़र ट्वेल्व होता है तो थ्री की मल्टीप्लाई एटीन में माइनस सिक्स टू ज़र ट्वेल्व होता है तो टू की मल्टीप्लाई ट्वेंटी में तो ये कितना आ गया एटीन थ्री जिफ्टी फोर माइनस ट्वेंटी टू जज फोर्टी अपॉन ट्वेल्व तो ये आ गया 14 अपॉन ट्वेल्व और ये सेम नंबर से ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं टू सेवन जर फोर्टीन टू सिक्स ट्वेल्व तो ये आ गया सेवन अपॉन सिक्स का हमारे को प्रॉफिट हुआ अब हमें गेन परसेंटेज निकालनी है गेन परसेंट गेन परसेंट कैसे निकलता है गेन अपॉन सी पी इन टू हंड्रेड तो गेन कितना आया सेवन अपॉन सिक्स कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी हमारी ट्वेंटी अपॉन सिक्स आई थी इंटू हंड्रेड अब देखिए ये हमारा ए हो गया ये हमारा बी हो गया ये हमारा सी हो गया और ये हमारा डी हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी इंटू हंड्रेड अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो देखिए सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया एक ज़ीरो से एक जीरो कैंसिल हुई टू वन जो टू टू फाइव जन तो हमारा कितना गेन परसेंटेज आ गया से थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव परसेंट इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ वेंडर परचेज बनाना एट रुपीज फोर्टी पर डजन मतलब डजन में हमें पता है ट्वेल्व होते हैं तो ट्वेल्व बनानाज वालीस रुपए में खरीदे एंड सोल्ड देम एट टेन रुप फॉर रुपीज थर्टी सिक्स और जो उसने सोल्ड किए वो टेन बनाना थर्टी सिक्स रुपये में सोल्ड किया है फाइंड हेज़ गेन और लॉस परसेंट तो हमें गेन और लॉस परसेंट निकालना है तो देखिए कॉस्ट प्राइज दे रखा है सबसे पहले कॉस्ट प्राइज ऑफ डजन की बात कर रहे हैं तो ट्वेल्व बनानज की कॉस्ट कितनी थी दैट इज़ रुपीज़ फोर्टी तो एक की कॉस्ट निकाल लीजिए हमेशा उससे आपको ईजी रहेगा गेन और लॉस निकालने के लिए वन बनाना की कॉस्ट कम होगी ऑब्वियसली तो डिवाइड कर देंगे ट्वेल्व से तो ये कितना आ जाएगा देखिए जितना कटता है काट लेते हैं टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू इंटू ट्वेंटी इज फोर्टी टू थ्री इज सिक्स टू टेन ज़र ट्वेंटी तो ये आ गया हमारा रुपीज टेन अपॉन थ्री इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई राइट और वी कैन से दैट रफली एस्टिमेट निकालें तो थ्री होल वन अपॉन थ्री आ गई अब इसी तरीके से सेलिंग प्राइस ऑफ टेन बनाना दे रखा है हमें दैट इज रुपीज थर्टी सिक्स तो एक बनाना का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ वन बनाना कितना हो जाएगा देखिए एक की कॉस्ट कम आएगी कम के केस में हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ गया ये अप्रॉक्सीमेटली 3.6 आएगी देखिए अगर मैं इसको पॉइंट्स में करूँ 3.6 आएगी लेकिन ये पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट थ्री 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 आता चला जाएगा तो हमें पता चल गया एस हमारा बड़ा है राइट तो हमारा क्या हो रहा है गेन हो रहा है और गेन का फॉर्मूला क्या था एस पी माइनस सी पी तो एस पी कितना आ जाएगा ये देखिए थर्टी सिक्स आप चाहें तो इसको और लोएस्ट फॉर्म में कर चुक कर सकते थे लेकिन मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया है तो थर्टी सिक्स अपॉन टेन माइनस टेन अपॉन थ्री राइट तो अब देखिए टेन और थ्री में कुछ भी कॉमन नहीं है डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ थर्टी अब थ्री की मल्टीप्लाई थर्टी सिक्स में माइनस टेन की मल्टीप्लाई टेन में तो ये कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स थ्री ज़ा थ्री सिक्स एटीन कैरी वन एंड टेन माइनस हंड्रेड अपॉन थर्टी तो ये आ गया एट अपॉन थर्टी हमारा प्रॉफिट हो गया तो अब हमें गेन परसेंटेज निकालना है गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था गेन अपॉन सी पी इन टू हंड्रेड तो गेन कितना है एट अपॉन थर्टी और सी पी कितना है हमारा टेन अपॉन थ्री डिवाइडेड बाय टेन अपॉन थ्री इंटू हंड्रेड अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया ये आ गया ए ये आ गया बी ये आ गया सी और ये आ गया डी तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं ए अपॉन बी इन टू डी अपॉन सी इन टू हंड्रेड अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे देखिए दो जीरो नीचे थी कैंसिल हो गई थ्री वन जी थ्री, थ्री वन जॉ थ्री तो हमारा कितना परसेंट गेन आ गया दैट इज एट परसेंट गेन इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है अ मैन बॉट एप्पल्स एट टेन फोर रुपीज सेवेंटी फाइव मैन एप्पल्स लेके आया दस एप्पल सेवेंटी फाइव रुपीज़ के लेके आया एंड सोल्ड देम एट सेवेंटी फाइव पर डजन और 12 उसने सेवेंटी फाइव रुपीज़ के बेच दिए ये तो साफ साफ पता चल रहा है जब 10 75 के लाया था तो ज़्यादा एप्पल्स उसने सेवेंटी फाइव रुपीज़ में ही बेच दिए तो हमें लॉस हो रहा है फाइंड हिज लॉस परसेंट हमें लॉस परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए कॉस्ट प्राइस से ही स्टार्ट करते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ टेन एप्पल्स दे रखी है इज रुपी सेवेंटी फाइव तो एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ वन एप्पल कितना आ जाएगा कम होगी प्राइस तो कम के केस में हम डिवाइड कर देते थे अब जो कैंसिल होता है कैंसल करना चाहे कर सकते हैं तो देखिए फाइव वन जो फाइव 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 जो ट्वेंटी फाइव फाइव टू जा टेन तो यह आ गया फिफ्टीन अपॉन टू कॉस्ट प्राइस हो गई एक एप्पल की अब इसी तरीके से, से सेलिंग प्राइस ऑफ डजन की बात कर रहा है तो डजन में ट्वेल्व होते हैं तो ट्वेल्व एप्पल्स की सेलिंग प्राइस दे रखी है दैट इज़ रुपीज सेवेंटी फाइव तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन एप्पल कितनी होगी एप्पल दैट इज़ डिवाइड कर देंगे एक की कॉस्ट निकालने के लिए तो डिवाइड कर दिया ट्वेल्व से तो देखिए थ्री फोर ज़ो ट्वेल्व थ्री टू जो सिक्स एंड थ्री फाइव जो फिफ्टीन तो हमारी कितनी आ गई दैट इज़ रुपीज़ ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर अब हमें साफ साफ पता है इसमें लॉस हो रहा है तो लॉस निकाल लेंगे लॉस कैसे निकलता है कॉस्ट प्राइस में से अब हम जब हम सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं तो कॉस्ट प्राइस थी फिफ्टीन अपॉन टू और सेलिंग प्राइस थी हमारी ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर तो देखिए टू और फोर में एल लेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन है तो फोर ही आएगा लेकिन फिर भी करके दिखा रही हूँ टू वन ज टू टू टू, टू ज़ा फोर टू वन ज़ा टू तो टू टू ज़ा फोर हो गया एल सी एम फोर लिख दिया अब देखिए टू टू ज फोर होता है तो टू की मल्टीप्लाय फिफ्टीन में माइनस फोर वन ज़ा फोर होता है तो वन की मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव में तो कितना आ गया फिफ्टीन टू 30 माइनस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर तो ये आ गया फाइव अपॉइन फोर लॉस हो गया हमारा अब हम लॉस परसेंटेज निकाल देंगे तो लॉस परसेंट लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सी पी इन टू हंड्रेड तो लॉस कितना है हमारा फाइव अपॉइन फोर सी पी कितना है देखिए फिफ्टीन अपॉन टू इन टू हंड्रेड तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं देखिए ये हो गया हमारा ए बी सी और ये हो गया डी तो ए अपॉन बी दैट मीन्स फाइव अपॉन फोर इन टू डी अपॉन सी टू अपॉन फिफ्टीन इंटू हंड्रेड अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे फाइव वन जो फाइव फाइव थ्री जो फिफ्टीन टू वन जो टू 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 ज फोर टू वन जो टू टू फाइव जो टेन एंड जीरो दैट्स इट तो ये आ गया फिफ्टी अपॉन थ्री परसेंट अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो फिफ्टी को डिवाइड कर देंगे थ्री से थ्री वन ज थ्री ट्वेंटी थ्री सिक्स ज़ एटीन टू बज गया तो इसको क्या लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में दैट इज़ सिक्सटीन होल टू अपॉन थ्री परसेंट इज द आंसर लॉस परसेंटेज आ गई तो दिस इज़ आर आंसर Let's do next question now.